नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रही मित्र पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। पहली अपराध पर अंकुश लगाना और दूसरी समूह को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद घर पर ही निपटाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते चेतक पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह फरियादियों की फरियाद उनके घर पर ही जाकर सुने और उसका निस्तारण करे। यदि कोई बड़ी समस्या हो तो ही थाने या कोतवाली लेकर आए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि थाने कोतवाली में भीड़ इकट्ठी न करे। फरियादियों के द्वार जाने से पूर्व पुलिस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि का बचाव के इंतजाम सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए SP देहात सौपन किशोर ने देहात के सभी थाना चौकी और कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है कि वह फरियादियों की फरियाद उनके घर पर ही जाके सुने। हाल ही में कोरोना वायरस ने पुलिस महकमे में कोहराम मचाया हुआ है। कई पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में आने से क्वारंटाइन है। ऐसे में समूह को सुरक्षित रखना और अपराध पर नियंत्रण रखना पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। निरंतर बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एहतियातन आम जनता से अपील की गई है कि वो दूर संचार के माध्यमों का सदुपयोग करें। अपनी समस्या के लिए स्वयं थाने चौकियों में जाने के बजाय जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे CUG नंबर्स हैं, उन पर अपनी समस्या बताएं। जो भी समस्या निस्तारित होने योग्य होगी उसे हर संभव प्रयास करके निस्तारित कराया जाएगा। यदि वो किसी अपरिहार्य स्थिति में थाने आने की कोई आवश्यकता पड़ती भी है तो लोगों का हुजूम लेकर ना आए। अन्य किसी सिफारिशी को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी समस्या, जेन्युइन समस्या, स्वयं आकर कह सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बात रख सकता है, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कुल मिलाकर स्वयं भी सुरक्षित रहें, पुलिस को भी सुरक्षित रखें, दूसरे भी सुरक्षित रहें।